हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डिलीवरी से पहले महिलाओं को कहाँ कहाँ दर्द होता है, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आया था जिसमें कि मुझसे पूछा गया कि मैम, डिलीवरी होने से पहले महिलाओं को कहाँ कहाँ दर्द होता है और कैसा दर्द होता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ दर्द होता है। वैसे आपको पता ही होगा कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है, और ख़ास तौर से पेल्विक एरिया में। और बहुत सी महिलाओं को सर में दर्द की शिकायत भी रहती है, और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कमर में दर्द की शिकायत रहती है, कुछ महिलाओं को पेट में दर्द की शिकायत रहती है, कुछ महिलाओं को पैर में दर्द की शिकायत रहती है, और कुछ महिलाओं को इस समय वजाइना में यानी कि योनि में दर्द की शिकायत रहती है। कुछ महिलाओं को तो पूरे शरीर में ही दर्द रहता है। लेकिन हम पूरी प्रेगनेंसी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उससे पहले आपको कहाँ कहाँ दर्द होता है। तो देखिए, डिलीवरी का प्रोसेस केवल एक दिन का नहीं होता है। जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है, उसके बाद से आपके शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होता है, और उसके बाद आपको लेवर पेन आता है और आपका बेबी बाहर आ जाता है, आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो देखिए, जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो उस समय से ही आपको पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द और प्रेशर महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपने सिर से दबाव बनाता है। तो नॉर्मल सी बात है कि दबाव बनाएगा तो मांसपेशियों में खिंचावट होती है और आपको वहाँ पे दर्द होता है। और अगर डिलीवरी से पहले की बात करें तो डिलीवरी से पहले क्या होता है कि कुछ महिलाओं को ना सिर में दर्द की शिकायत हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं को बुखार भी आ जाता है, और बहुत सारी महिलाओं को ना सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द की शिकायत हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको डिलीवरी से पहले सिर में दर्द की शिकायत हो जाए। इसके अलावा क्या होता है कि डिलीवरी से पहले आपको लेवर पेन आता है, जिसे कि प्रसव पीड़ा बोलते हैं, आपको वो आता है। तो प्रसव पीड़ा के दौरान ना आपको ये दर्द या तो कमर की तरफ से स्टार्ट हो सकता है या फिर आपको पेट की तरफ से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो जब मुझे लेवर पेन आया था तो उस समय ना मुझे कमर से दर्द स्टार्ट हो रहा था और पेट की तरफ आ रहा था, और जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था ना तो दर्द पैर की तरफ भी जा रहा था, यानी कि कमर से दर्द स्टार्ट हो रहा था, पेट की तरफ आ रहा था, फिर एकदम से पाँव की तरफ जा रहा था। और जब पाँव की तरफ दर्द जाता है तो आपके वजाइना में भी दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस आपको होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी आपको संकुचन आता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उस समय ये होता है कि महिलाओं को ना एकदम से ऐसा लगता है कि उनका पेट कड़क हो गया है, पेट काफ़ी ज़्यादा कड़क महसूस होता है, टाइट महसूस होता है। इसके अलावा आपको ये दर्द आता है ना, ये बिल्कुल पीरियड के दर्द की तरह होता है, क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी और मुझे लेवर पेन आ रहा था तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे पीरियड में दर्द होता है ना, इसी टाइप का मुझे दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन क्या है कि इसमें आपका दर्द समय के साथ बढ़ता रहता है, यानी कि जितना आपको दर्द अभी हो रहा है वो दर्द काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ भी यही था कि पहले दर्द कम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था दर्द की मात्रा बढ़ रही थी, यानी कि पहले जो दर्द बहुत कम था उसकी मात्रा बढ़ गई, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन दर्द आपको उसी टाइप से ही होता है, जैसे कि अगर कमर से दर्द स्टार्ट होता है तो कमर से स्टार्ट होकर सीधा पेट की तरफ आता है, और अगर आपके पैर की तरफ जा रहा है तो पैर की तरफ जाके दर्द रुक जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आपको दर्द आता है। और देखिए, आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने से ही या फिर उससे पहले से ही ना वजाइना में काफ़ी ज़्यादा दर्द और प्रेशर महसूस हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो अपने सिर से काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाता है, तो उसका दबाव आपके वजाइना पे ही पड़ता है, योनि पे पड़ता है, जिस वजह से कि आपको योनि में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको दबाव महसूस हो सकता है। और जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तो बच्चा खिसक के और नीचे आ जाता है तो आपको आपके वजाइना में और भी ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। और देखिए, इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो इस समय आपके कमर में दर्द की शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको पीठ में दर्द की शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारा भार आपके पीठ और कमर पर ही आ जाता है। और देखिए, प्रेगनेंसी में जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है ना या फिर डिलीवरी से पहले आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बदलाव होते हैं, डिलीवरी के लिए जब आपका शरीर तैयार हो जाता है तो आपके मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा खिंचती हैं, तो आपको जो लिंगमेंट होता है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है, वो आपके बच्चे को रोक के रखता है ताकि बच्चा एकदम से बाहर ना आ जाए, क्योंकि इसके लिए भी पूरा प्रोसेस होता है। तो आपको पूरे पेल्विक एरिया में दर्द होता है, कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपको पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि इस समय आपका गर्भाशय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से आपके
पैरों में रक्त का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से कि बहुत सारी महिलाओं को पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है और पैरों में दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही है कि डिलीवरी से पहले आपको कमर में, पीठ में, वजाइना में, कुल्हे में, दोनों जांघ के बीच में, इसके अलावा पैरों में, और कुछ महिलाओं को सर में दर्द की शिकायत भी हो जाती है, तो आपको इन सारी जगह पे दर्द होता है। तो आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि आपको डिलीवरी से पहले कहाँ कहाँ दर्द होता है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।